आई होप हम लेट ना हो गए हूँ। चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मौली के चारों तरफ 1 किलोमीटर का घेरा बना दिया है, जिससे वो लोग शिंकाई भागकर नहीं जा पाएंगे। करता तो मैं भी वही, लेकिन बिना शो ऑफ किए। एनीवेज, अब हमें अपने सस्पेक्ट को ढूंढना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके मौली का कलर ग्रीन हुआ है या नहीं। चलो समय समय जल्दी कीजिए, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर एक खुफिया रास्ता है, जिससे हम बहुत आसानी से शिंकाई पहुंच सकते हैं। वाओ, खुल गया, खुल गया। पहले मैं जाता हूँ, लेडीज फर्स्ट। मेरी हाइट बड़ी नहीं, फिर भी मेरा सर क्यों टकरा रहा है इससे? लगता है इस जादुई धागे की वजह से ये खुफिया दरवाजा काम नहीं कर रहा है। But, now what, Mr. B? कुछ करो रे, 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 मैं अपनी गेंदा के पेश में मरना नहीं चाहता। कुछ नहीं, स्वामी अब हम मरने वाले हैं। ये आवाज तो लाइब्रेरी से आ रही है। नारी कभी बेचारी नहीं होती, वो सब पे भारी होती है। ये शेरो शारी बात में कीजिए सर, पहले इस कॉकरोच को भगाओ ना। यहाँ कैसे? कहीं प्रिंसिपल सर कुछ
भूल के तो नहीं है ना तुम्हारे घर पे? रे, इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर कुछ वापस करने नहीं आए, बल्कि ये लोग यहाँ कुछ पाने की उम्मीद से आए हैं, जो इन्हें मिली नहीं। Yes, Mr. B. इसीलिए इन दोनों के चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है। अब यू गाइज आर ऑल राइट? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, हमें किसी बात की डिसअपॉइंटमेंट, उल्टा हम तो आपको सेफ एंड साउंड देखकर काफी खुश हैं, खुश हैं। सेफ एंड साउंड क्यों नहीं होंगे भला? आखिर ये मौली आपने हमारी सेफ्टी के लिए तो बांधी है। ये देखो। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, इस मौली में भगवान का आशीर्वाद है तो बुरी भला अपने आप टल जाएगी। वेल विवान, थैंक यू मुझे हमें इनवाइट करने के लिए। एंड इफ यू डोंट माइंड, आई एम बिजी। वाह, श्योर। Guys, huh? See you, guys. जिससे उम्मीद नहीं थी आज वही औजार काम आ गया। ये कौन सुंदरी है? बिरबान नाम है मेरा, टिकड़ी बनाना काम है मेरा। लेकिन तुम्हें यहाँ किसने बुलाया बिरबान? I think इस बार हमारे डाउट का काटा गलत डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, क्योंकि प्रिंसिपल अखाड़ी और ये तो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमंस लग रहे थे, और तो और उनके ऊपर मौली का कोई इफेक्ट भी नहीं हुआ। लेकिन अगर प्रिंसिपल अखाड़ी और रेड इन मलेशिया के साथ ही नहीं है तो फिर कौन है? डीन मलेशका ने वो खून ले जाकर दिया किसे? आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं तो साइड प्लेयर हूँ, मुझे क्या पता होगा। मतलब तुम मुझे माफ नहीं करोगे? मैं कौन होता हूँ सीनियर बालवीर को माफ करने वाला, बल्कि मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, एक्स्ट्रा प्लेयर हूँ, है ना बालवीर? वन
दो सालों से मैं बम्बाश्री की सेवा करने के लिए बेताब थी। वो मौका जो मुझे इन्होंने नहीं दिया, वो मौका मुझे किस्मत ने दिया है। और क्या खूब फायदा उठाया तुमने इस मौके का। लेकिन तुम्हें इस हेल्प के रिटर्न क्या चाहिए? मुझे वो चाहिए जिसकी चाह मुझे कई सालों से थी, मिर्सा की खाली जगह। What do you think, Mr. B? Hey, फौज में उसी सिपाही को शामिल करना चाहिए जो अपनी जान देने के लिए तड़प रहा हो। और बिरबा, कई सालों से हमारे साथ आने के लिए तड़प रही है। बिरबा, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत ही काबिल आविष्कारक हो, लेकिन मिल्सा की जगह लेना आसान नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी काबिलियत ही नहीं, वफादारी भी चाहिए होगी। आपकी हर एक इच्छा मेरे लिए हुक्म के बराबर होगी, क्योंकि बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। तो ठीक है बिरबा, तो आज से तुम हमारे उस सपने को पूरा करने में हमारा साथ दोगी, जिसमें न सिर्फ शिंकाई बल्कि धरती, आकाश और पूरी कायनात पर बुराई का राज होगा। शुक्रिया बम्बालश्री, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मिस्टर बी, हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप सोच लेना चाहिए। अगला कदम तो मैं ले चुकी हूँ, ये देखिए। ये कीड़ा हमारे किस काम आएगा? ये कोई कीड़ा नहीं है, ये मेरा खास आविष्कार है। ऐसा ही एक यंत्र मैंने उस बच्चे के पीछे छोड़ दिया है। इंटरेस्टिंग। लेकिन क्या ये छोटा सा कॉकरोच विवान को किडनैप कर सकता है? अरे अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गए। अरे माँ, आज भी टिफिन सर्विस? अरे ये टिफिन नहीं है विवान, ये पूजा के बाद ना बहुत सारी खीर बच गई थी, इसलिए तुम तीनों जाकर ये डब्बे पड़ोस में बांट आओ, ठीक है? ओके। आउच, क्या हुआ विवान? गुदगुदी करके इनोसेंट क्यों बन रहे हो भैया? मैंने कब गुदगुदी की? हाँ, मेरे पास तो आप ही खड़े हो ना, तो और कौन करेगा? लेकिन विवान, मैंने देवू भैया ने कुछ नहीं किया विवान। हाँ विवान, अगर तुझे डब्बे बांटने नहीं जाना है ना तो मत जा, लेकिन ऐसे बहाने मत बना। अरे नहीं नहीं माँ, मुझे सच में भी इतनी गुदगुदी हो रही है, ऐसा लगता है जैसे मेरी पीठ भी कुछ चल रहा है। लाओ मैं देखता हूँ। अरे अरे दिखा मुझे जरा, क्या हुआ है?
भोरिया तो नहीं हो गई तुझे? नहीं मैं फ्रेंडली हीट पाउडर लाती हूँ। दिखा ऊपर कर इसे। अरे नहीं मम्मी प्लीज मुझे शर्म आ रही है। अरे मुझसे क्यों शर्मा रहा है दिखा ना। अरे मम्मी प्लीज। अरे अल्लाह हाँ दे लीजिए। बस बस माँ ऊपर दे। हाँ हाँ ऊपर से ही डाल रही हूँ। मम्मी इसे घमोरिया नहीं इसकी बॉडी पे तो कॉकरोच दौड़ रहे हैं। विवान सच्ची सच्ची बता कितने दिनों से नहीं आया। मरी दीदी क्यों मेरी बेइज्जती खराब कर रही हो। मेरी बेइज्जती कर रही हो मैं तो रोज नहाता हूँ। ठीक है मजाक मत करो तुम दोनों। देखो वो कॉकरोच कहाँ गया। मैं जरा कॉकरोच स्प्रे लेकर आती हूँ। माँ वो रहा। ये देखो 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 यही कहीं पर होगा। बिरबा कैन एक्सप्लेन के तुम्हारे ये किडनैपिंग डिवाइस अभी क्या कर रहा है? अरे खुशी ये तो कुछ भी नहीं मैं तो अपने परिवार की रक्षा के लिए एक शेर से भी लड़ सकता हूं। अब तुम तीनों जाके चेंज कर लो और जाके पड़ोस पे खीर के डब्बे बांटा। मैं तब तक सारे घर में कॉकरोच स्प्रे मारती हूँ। एक कॉकरोच आया है इसके साथ ही भी होंगे। ओके चलो शो ऑफ। स्वीट बाबू रास्ता भटक गए हो। डोंट वरी चिंटू भैया सब ठीक कर देगा। आंटी ये ये क्या विवाद हमें करुणा बहन की टिफिन सर्विस नहीं चाहिए हो? अरे अरे फिकर नॉट आंटी ये टिफिन सर्विस नहीं है ये तो आज की पूजा की खीर है लीजिए वो भी एकदम फ्री फ्री फ्री। अरे तो पहला केवू जो ना डोबा पण आ शू विवान क्यों एक के डब्बा है तेरा छेड़ा अंकल भी तो खाएगा ना कि उनके लिए एक डब्बा और देना वा। अच्छा मतलब आपको दो डिब्बे चाहिए बराबर ओके। दिवाली आंटी वाह अपनी शॉप पे तो एक टॉफी भी फ्री नहीं देती और अभी मैं फ्री की खीर देने आया हूँ। एक डब्बा और मांग लिया। ये दूसरा डिब्बा हाँ। ये दो है हाँ, थैंक यू। अरे अब जाऊँ? ए हाँ आओ जो थैंक यू आओ जो हाँ। अरे आंटी ये आज की पूजा की खीर है
अब मजा आएगा जब सब लोगों को पता चलेगा कि विवान खीर के साथ सुमित कॉकरोच भी बांट रहा है। अरे आंटी, ये आपकी पूजा की खीर है। और ये बचा मिश्रण का। धत तेरी की, ये लाल डब्बा तो मेरे ही घर में जाने वाला है। आंटी, ये पूजा की खीर है, ये लीजिए। मम्मी, वो खीर। अरे देखो तो चिंटू को कैसे खीर खीर चिल्लाता हुआ आ रहा है। वो खीर बचपन से इसका ये स्पेशल टैलेंट है। 50 मीटर की दूरी से भी खीर की खुशबू पहचान लेता है मेरा बच्चा। आजा, आजा मेरे भूखे लाल। जल्दी से निकलने विवान, नहीं तो यहाँ एक के बदले 4-4 डिब्बे फ्री में देने पड़ जाएंगे, फिर माँ की रुको को क्या दूंगा। मम्मी, आजा आजा, एंजॉय द खीर आंटी। ले खा मेरे भूखे लाल, और खा। कैसी बनी है, अच्छी है? और खा मेरा भूखे लाल, खा। चल अंदर अंदर, तुझे और खिलाती हूँ। अच्छा, लगता है किसी ने मेरे यंत्र को बंद कर दिया है। ग्रेट मिस्टर बी, लगता है हमारी मिस टैलेंटेड बीरबा को सिर्फ एक ही ट्रिक आती थी जो इन्होंने हमें दिखा दी। व्हाट अ फेल। सब्र रे सब्र, शिंकाई में मिल्सा के बाद अगर कोई होनहार आविष्कारक है तो वो बीरबा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस सवाल का कोई जवाब जरूर ढूंढ लेगी जिसके बाद विवान हमारी मुट्ठी में होगा।